नहीं ग्रेनेड फेंका उन्होंने अपने एरिया अपने सराउंडिंग्स को वो क्लियर करना चाहते हैं कि क्या कोई प्लेयर मेरे करीब तो मौजूद नहीं। लेकिन ओजम काफी ध्यान से आपको खेलना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स फ्लैंक लेकर बिल्कुल ईस्टर्न साइड से आती हुई नाइट पेयर आगे बढ़ते हैं। स्पॉट डाउन किया जाता है, नॉकडाउन भी करते हुए नजर आएंगे। और एक्साइट के घोष को नॉकडाउन कर दिया गया, जंप फायर करेंगे लेकिन स्पॉट डाउन किया जाता है। चिकन किसका हुआ? नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स एलिमिनेट से गॉन एक्साइट विद इन अ स्प्लिट सेकंड। पता ही नहीं चला कि कब हुआ और क्या हुआ, लेकिन हुआ कुछ यूं कि नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स ने गॉन एक्साइट को एलिमिनेट कर दिया। और मैं 100% सेम बट ऑलमोस्ट सेम सर्कल है, आप कह सकते हैं कि उसी तरह पानी में 20-30% एरिया अनबेबल है। लेकिन यहाँ पर उसके आएगा ब्लेड के ऊपर, लेकिन ब्लेड ग्रेनेड पार करते हुए एक नॉक निकाला जाएगा। ही हैज अ शॉटगन, ही हैज अ शॉटगन, बट ही हैज टू बी वेरी प्रिसाइज होना पड़ेगा। लेकिन नहीं, आरिफ आगे बढ़ते, प्रिसाइज होते हैं ब्लेड, कवर फायर देने के लिए घोस्ट भी आ जाएंगे, उनके पास भी शॉटगन मौजूद है। ही ऑल्सो हैज टू बी वेरी प्रिसाइज, लेकिन प्रिसाइज नहीं होते, घोस्ट की तरफ डैमेज पड़ेगा। ही इज डाउन टू 1 एचपी, आरिफ यहाँ पर उनको काफी ट्रबल देकर जाएंगे, लेकिन ऊजम उनको यहाँ पर पकड़ा जाएगा मैक्स की तरफ से। दे आर इन अ ट्रबल राइट नाउ, ब्लेड यहाँ डाउन हो जाएंगे सामने से। आई बिलीव एक यूटिलिटी फेंकी जाती है, इज इट अ ग्रेनेड और अ स्मोक, नथिंग, यूटिलिटी कहीं और फेंकी जाएगी, लेकिन गोश को पकड़ा जाता है, ग्रेनेड ही था जो ऊजम की तरफ से आता है एक लॉन्गर रेंज से, और ऊजम यहाँ नॉक भी निकाल देंगे, फिर से ग्रेनेड आएगा, आरिफ यहाँ डाउन हो जाएंगे, मैक्स इज लास्ट वन स्टैंडिंग, ऊजम हैज टू डू समथिंग अमेजिंग, एक और ग्रेनेड, 1v3 एगोनिक साइड अपने कदमों पर वापस खड़ी हो जाएगी, एंड क्रेडिट गोज टू वन एंड ओनली ट्यूजम उजम। माय गॉड व्हाट वाज दैट, मैं दोबारा से देखना चाहता हूं यार, एक ग्रेनेड, दूसरा ग्रेनेड, तीसरे पे कहानी ही खत्म। एगोनिक साइड में गुम, दूसरे में दो और चौथे में खत्म, बिल्कुल और एगोनिक साइड।